क्या बोल रहा है, पहले तो रीजंस देना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। क्या हमें फाइनाइट इनफाइनाइट का मीनिंग पता है? जो सेट शुरू तो हो बट ख़त्म हो जाए दैट इज फाइनाइट, जो शुरू हो बट ख़त्म ही ना हो दैट इज इनफाइनाइट। क्या बात दिमाग में जा रही है? पक्का? आगे बढ़ते हैं, पहले शुरू करते हैं सेट ए से। बोलो सेट ए क्या है? x such that x क्या less than 10, x क्या है 10 से छोटा है और वो क्या है बोलो आप लोगों का? x is a natural number। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या इसकी लिस्ट बनके तैयार है? तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। बोलो क्या हो जाएगा? a equal to curly bracket, ऐसे नेचुरल नंबर्स बताओ जो 10 से छोटे हों। कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, up to 9। इसमें 10 को क्यों नहीं लेंगे? डंडी नहीं है, क्योंकि 10 के नीचे क्या नहीं है? डंडी नहीं है। गुड। अच्छा, क्या ये फाइनाइट है? हाँ। क्यों? शुरू भी है ख़त्म भी है, सो इट इज विल बी फाइनाइट। सब लिखेंगे कि हियर हम लोगों का जो गिवन सेट ए था, बोलो वो कैसा है? फाइनाइट है। ठीक है, क्या ये सवाल डन? बराबर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले में आ जाओ। सेट ऑफ अपैरेटस इन लैब। अपैरेटस मतलब क्या होता है? कभी लैब गए स्कूल में? नहीं गए? अच्छा, दो साल से तो कोविड का जिए हो। हमारे स्कूल में लैब नहीं है। अरे बाप रे, ये तो सीना ही फेंक दिया। जाओ, हमारे स्कूल में लैब ही नहीं है। अगर हम कोविड वाले नहीं भी होते दो साल से तो भी लैब वैब कभी देखे हो लैब? अच्छा, पुराने ज़माने में CID आता था, वो देखे हो? उसमें वो लोग कौन थे? डॉक्टर सालुखे। क्या थी उनके पास? अपनी लैब थी। क्या करते थे उसमें? पोस्टमार्टम। फिर वो कौन है वो प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन आते थे। दया, अभिजीत, इस बॉडी में ये हुआ है, इसको ऐसे मारा है, इसकी बॉडी से मुझे ये मिला, उसकी बॉडी से मुझे वो मिला। क्या ये बात याद आ रही है? क्या होता है लैब? एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ काम करते हो ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। कंप्यूटर लैब भी होती है, केमिस्ट्री की लैब्स भी होती हैं, फिज़िक्स की लैब्स भी होती हैं और मैथ्स की भी लैब होती है। ठीक है, अब मैथ्स की लैब में क्या कराते हैं वो तुम छोड़ दो, उस पर अपना दिमाग मत खर्च करो, बट लैब हर चीज़ की होती है। या फिर जो अपन अपने एरिया में, जैसे कभी ब्लड टेस्ट कराना हो, कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, ब्लड लेता है वो तुम्हारा, सैंपल में कलेक्ट करता है और उसके बाद बोलो क्या करता है? चेक। क्या करते हैं चेक में वो? कि कौन सी बीमारी है या कौन सी बीमारी नहीं। तो उनके जो लैब है उसमें जो भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या वो इनफाइनाइट होते हैं? कि पता नहीं कितना तो है हमारे लैब में, हाँ बस आता ही जाएगा, आते ही फाइनाइट होता है ना। जैसे अभी रूम है, या अगर अपन बोले कि एक लैब है, कंप्यूटर लैब, इमेजिन कंप्यूटर फाइनाइट होंगे, CPU फाइनाइट होंगे, माउस फाइनाइट होगा, कीबोर्ड फाइनाइट होगा, टेबल कुर्सियाँ फाइनाइट होंगी। सो किसी भी लैब में जो भी अपैरेटस होते हैं, इनकी आप लिस्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको डायरेक्टली बोलो क्या आप कह सकते हो कि भाई तुम एक कौन सा सेट हो? फाइनाइट। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी बोलो कैसी रहेगी? बहुत ज़्यादा। क्या रहेगी? है ना। तो इसका अगर किसी ने पूछा कि इसका रीज़न दो, तो हम इसका रीज़न क्या लेंगे कि सेट ऑफ अपैरेटस इन द लेबोरेटरी आर, बोलो क्या? काउंटेबल, सो देयरफॉर इट इज़ अ फाइनाइट सेट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूँगी? पहले तो मुझको जो उसने लिख कर दिया है उसका आंसर क्या लिखेंगे? सेट ऑफ क्या? अपैरेटस कहाँ पर? लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरी। बोलो क्या है ये? फाइनाइट है, काउंटेबल है कि इनकाउंटेबल है? काउंटेबल। इज काउंटेबल।
और जो चीज़ काउंटेबल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे therefore given set is what? तो ऐसा मत करना कि जिस चीज़ की मैडम लिस्ट नहीं बनती उसको फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे लिखें, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जैसे कि एक और इस पर आ जाओ, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? चलो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में उसने मुझे एक सेट बनाने को कहा जिसमें क्या होने चाहिए? होल नंबर। उसने उस सेट को कोई नाम नहीं दिया यार, जैसे यहाँ दिया ए, यहाँ दिया बी, यहाँ दिया सी, यहाँ कोई नाम ही नहीं दिया। तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से नाम दे देती हूँ, ठीक है। मैंने उसको दिया कि लेट कैपिटल ए इक्वल टू, बोलो क्या? सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या इसकी लिस्ट बनाई जा सकती है? yes. क्या होगी बोलो इसकी लिस्ट? कहाँ से शुरू होते हैं? वन टू, कहाँ रुकूँ? कुछ बताए कि 20 तक, 30 तक, 200 तक, कुछ बताए? इसका मतलब बोलो ये क्या है? इनफाइनाइट। सो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हियर गिवन सेट इज, बोलो क्या? इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कहाँ पे रुकना है ये वो क्या कर रहा है? बता नहीं रहा है, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर कोई बोलेगा सेट ऑफ होल नंबर, कोई बोलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई बोलेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये नहीं बताएगा कि कहाँ रुकना है, तो क्या होगा? तो बढ़ते ही जाएगा यार, कभी रुकेगा ही नहीं, काउंटेबल होगा क्या वो? तो ऐसे केस में वो क्या क्या रहेगा? तो बोलो ये सेट कौन सा है? क्या ये बात पेट में गई? पची जाके पेट के अंदर। तो ऐसे केस में सेवेंथ सेट का अगर किसी ने मुझे आंसर पूछा तो हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ कौन से नंबर? रैशनल नंबर्स। ये क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? इज इनफाइनाइट, हम उसे काउंट नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी काउंटेड। तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर गिवन सेट, बोलो कैसा है? इनफाइनाइट। गिवन सेट बोलो कैसा है? इनफाइनाइट। क्या बात गई भेजे में? ये भी डन। अब आ जाओ इसमें, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। पूरे भारत की क्या पॉपुलेशन काउंटिंग होती है? No. नहीं होती भाई, जनगणना ज्योग्राफी पढ़े होंगे ना? अभी आने वाले सालों में जनगणना घर घर आके नहीं होने वाली, अब सब ऑनलाइन होगी। हर एक व्यक्ति जो पैदा हो रहा है उसकी डिटेल ऑनलाइन सर्वर में अपलोड रहेगी। जब वो व्यक्ति मरेगा तो उसकी वो डिटेल अपने आप वहाँ से क्या हो जाएगी? इससे मतलब अब जो पहले घर घर आके पूछते थे आपके घर में कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, औरत कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, फिजिकल आंगनबाड़ी वाली लेडीज आती थी, अब वो नहीं होगा, ठीक है। अभी आने वाले एक या दो सालों में अब से जनगणना कैसी होगी? ऑनलाइन, हर दिन जनगणना। जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसका अपडेट कोई हॉस्पिटल करेगा, और जैसे उसका हॉस्पिटल अपडेट करेगा तुरंत वो बच्चा क्या हो जाएगा? हमारी पॉपुलेशन में ऐड। कोई मरेगा उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड होगा, तुरंत वो एक इंसान हमारी जनगणना से क्या हो जाएगा? माइंस। अब तुम बोलोगे मैडम अगर किसी ने अपनी डेथ रजिस्टर्ड ही नहीं करवाई, किसी ने अगर अपना बर्थ रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, किसी ने हॉस्पिटल में जन्म ही नहीं दिया बच्चे को, कोई ऐसी जगह हुई जहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो वो एक एरर हो सकती है। बट जो ये इतने सारे रजिस्टर्ड लोगों की जनगणना करने के लिए इतना मैनुअल एफर्ट जा कर रहा हूँ, बोलो क्या होगा? बच्चे। तुम लोग अभी गोंडखेरी में रहती हो, इसको अपना गांव ही कहते हो, कितने लोग होंगे वहाँ? 5000 से ऊपर, ऑलमोस्ट सभी को तुम लोग जानते ही हो एक दूसरे। यहाँ वाड़ी में कितने होंगे पता नहीं, एक लाख, जब यहाँ 5000 है 1 लाख तो इस सोसाइटी में भी नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, बहुत लोग होंगे। क्या काउंट किया जा सकता है? हाँ, क्यों, घर घर जाके काउंटिंग नहीं होगी? एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब उस एरिया के घर क्या हो जाएंगे? ख़त्म। तो अगर सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज पूछा जाए ये काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल? काउंटेबल। तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट। सो दिस विल बी अ फाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मुझे आंसर लिखना है तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की सेट ऑफ पीपल
इन विलेज बोलो क्या है, काइस काउंटेबल, ठीक है। ये चीज़ कैसी है, काउंटेबल, और जो चीज़ काउंटेबल होती है इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वो गिवन सेट भी क्या होगा, फाइनाइट। तो कई बार ऐसा ज़रूरी है क्या कि लिस्ट बने ही बने, नहीं, कभी ऐसे जनरल जीके फैक्ट्स टाइप के भी सवाल हो सकता है ना। चलो अब आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान से पहले सीखना। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है कि वाई कौन है आप लोगों का है, इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, और ज़ीरो भी। अब इसको कौन से इंटीजर चाहिए, सुनो, वाई लेस देन माइनस वन, मतलब माइनस वन से छोटे, बोलो माइनस वन से छोटा कौन होता है, गधा बड़ा होता है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, है ना। यानी कि अगर मैं बी सेट को सॉल्व करूँगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कहाँ रुकना है, उसने कुछ बोला क्या, उसने बोला बस क्या चाहिए, छोटे। तो बोलो अभी इसमें हम क्या बोलेंगे कि सेट बी इज फाइनाइट कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, डन। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट में, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर स्कूल। अभी मैंने इसको क्या पूछा था कि इसके स्कूल में कितने बच्चे, फिर मैंने बाद में क्या पूछा क्लास नाइन में कितने बच्चे, इससे क्या जवाब दिया 62, जिसमें से क्या बोला मैडम आप ध्यान कर लो, 31 इस सेक्शन में 31 उस सेक्शन में। तुम्हारे स्कूल में कितने हैं, 100 क्लास में कितने हैं, 103, एक सेक्शन में 51 एक सेक्शन में मान लो 52, है ना, क्या ये काउंटेबल है। तो ये सेट कैसा होना चाहिए, सी फाइन। क्या इसका आंसर तुम लिख लोगी, क्या लिखोगी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम आवर स्कूल इज काउंटेबल। योर स्कूल नहीं लिखना, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो योर लिखते हैं, जब हम आंसर देते हैं तो आवर लिखते हैं, इज काउंटेबल। इसीलिए सेट क्या हुआ, फाइन। क्या क्लियर है, क्वेश्चन ऑफ वो कैसे अटेम्प्ट किया, कोई डाउट, पक्का।